हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल सर्विद लव। वैसे तो मेरे हस्बैंड को अचार खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन उन्होंने एक दिन बोला कि तुम इतने सारे अचार बनाए लेकिन मेरी पसंद का तो एक भी अचार नहीं बनाई। क्योंकि मेरे हस्बैंड को हरी मिर्ची बहुत पसंद है, वो खाने के साथ 2-3 मिर्ची ऐसे ही खाने के साथ खा जाते हैं। मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका हरी मिर्च का अचार बना के तैयार करूँ, हस्बैंड को भी खुश कर दिया जाए। तो मैंने ये 250 ग्राम मिर्ची ले लिया है। जो बड़ी मिर्ची है ना, आप चाहिए तो बीच से कट करके बना सकते हो, लेकिन जो बड़ी मिर्ची है इसको मैं 2 टुकड़े में ऐसे तोड़ लूँगी या फिर चाकू से काट लूँगी, 2 पीस में कर लेती हूँ। और जो देखिए ये छोटी छोटी मिर्चियाँ हैं ना, इनको मैं ऐसे रहने दूँगी। तो आपकी चॉइस है, छोटे बड़े जैसे भी पीस में आपको तोड़ने हों या काटने हों उस हिसाब से आप इसको काट सकते हो। तो मैं ऐसे तोड़ ले रही हूँ। मिर्ची हमारी बहुत फ्रेश है तो इस तरीके से टूट जाएगी, जैसे बीन्स वगैरह हम तोड़ते हैं ना, बस उसी तरीके से ये भी टूटती जा रही है। तो इस तरीके से मैंने मिर्ची तोड़ ली, जो बड़ी बड़ी पीस थी उसको तोड़ लिया, छोटी पीस को ऐसे साबुत ही रहने दिया है। और फ्रेंड्स, जब मैं मिर्ची ले आती हूँ मार्केट से ना, तो इसको धो के अच्छे तरीके से सुखा के फिर रखती हूँ। तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है और पानी होना भी नहीं चाहिए, हम ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख सकते हैं। मैं तो बस ये 250 ग्राम मिर्ची लेके बना रही हूँ, आप चाहिए तो 1 किलो 2 किलो मिर्ची का भी बना सकते हो। तो इसलिए ये मस्ट है कि उसमें पानी का बिल्कुल भी मात्रा नहीं होनी चाहिए। तो मिर्ची को धो के अच्छे तरीके से फैन के नीचे डाल के सुखा लेंगे ना, तो उसमें पानी बिल्कुल नहीं रहेगा, तो मिर्ची का अचार आप लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हो। तो मिर्ची को मैं साइड में कर देती हूँ, इसके लिए मसाले तैयार कर लेती हूँ। 1 टीस्पून मैंने मेथी ले लिया है, 1 टीस्पून जीरा लिया है, 1 टीस्पून मैंने सौंफ ले लिया है, 2 टीस्पून मैं इसमें राई लूँगी। मिर्ची के अचार में राई का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं 2 टीस्पून राई ली हूँ। 1 टीस्पून अजवाइन ले लिया है। इसको हमें हल्के से रोस्ट करना, बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, इसका नमी निकल जाए बस वही उतना हमें पका लेना है। जैसे अचार के लिए जो भी मसाले बनाते हैं तो वही होता है कि इसकी नमी जो है हल्की सी निकल जाए, बस वही उतना ये चाहिए होता है। तो 2 से 3 मिनट ऐसे चला लूँगी ना तो इसका नमी निकल जाएगा। ये मसाले हमारे रोस्ट हो गए हैं, अभी गैस बंद कर देती हूँ और बस मसालों को ठंडा करके इसको हमें ग्राइंड कर लेना है। तो मसाले जब ग्राइंड करेंगे तो अचार का मसाला जैसे दरदरा सा होता है ना, वैसे हमें ये दरदरे फॉर्म में चाहिए मसाला। ये मसाले हमारे ठंडे हो गए हैं, इसको मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लेती हूँ। मिक्सी को रुक रुक के चलाऊंगी तो दरदरे फॉर्म में हमें चाहिए तो दरदरे फॉर्म में मिल जाएगा। ये देखिए मसाले मैंने इस तरीके से दरदरे फॉर्म में ग्राइंड कर लिए हैं। मिर्ची को मैंने एक प्लास्टिक कंटेनर में ये देखिए शिफ्ट कर लिया है। 1 टेबल स्पून जितना येलो वाली जो सरसों दाल होती है ना, इसको डाल देती हूँ। 1 टीस्पून कलौंजी डाल रही हूँ, जो अनियन सीड बोलते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देती हूँ, थोड़ा कलर आ जाएगा। 1/2 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। ये तीखा नहीं होता फ्रेंड्स, आप सबको पता है, इसका कलर अच्छा आ जाता है, इसलिए यूज़ करते हैं हम लोग। आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि अचार में नमक थोड़ा ज़्यादा ही होता है, तो 1 टीस्पून भर के मैं इसमें नमक डाल दे रही हूँ। इधर जो मैंने मसाले ग्राइंड कर लिए हैं ना, मसाले डाल देती हूँ। मसाले मिर्ची के अकॉर्डिंग ही मैंने बनाए, इसलिए मैं सारे मसाले डाल दे रही हूँ। इन सब चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेती हूँ। एक मिर्ची का अचार बनाने के लिए मैंने सरसों का तेल का यूज़ किया है, लेकिन सरसों का तेल मैं गरम नहीं की हूँ, मैं ठंडा जो नॉर्मल तेल आता है बॉटल का ना, वही मैं डाल रही हूँ इसमें। आपकी चॉइस है, आप चाहिए तो गरम भी कर सकते हो। 2 से 3 टेबल स्पून मैं इसमें सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मिर्ची की क्वांटिटी भी तो देखिए ना, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मसाले और मिर्ची अच्छे तरीके से कोट हो जाए उतना ही तेल का यूज़ करना है। एकदम से कोट हो गया है और अचार हमारा थोड़ा लंबे टाइम तक चले और फटाफट ये गल जाए, उसके लिए मैंने 2 नींबू को निचोड़ के ले लिया है। ये नींबू का रस डाल देती हूँ, आप चाहिए तो विनेगर का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने इसमें नींबू निचोड़ के डाला है क्योंकि क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड को हरी मिर्ची का अचार या हरी मिर्ची बहुत पसंद आती है, तो ये तो फटाफट हफ्ते भर के अंदर में खा के ख़त्म कर देंगे, तो इसलिए मैंने नींबू का जूस डाला है। आप अगर लंबे टाइम तक यूज़ करना चाहते हैं तो विनेगर डाल के उसको रख दीजिए, और फिर भी इसको अगर बाहर रख के हम खाएंगे तो 10 दिन तक आराम से खा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में आपने बना के रख लिया और ज़्यादा टाइम के लिए रखना है, तो मैं यही बोलूँगी कि आप फ्रिज में रखिए। फ्रिज में रख के खाएंगे तो इसको 3 महीने तक आराम से आप खा सकते हैं, उससे भी ज़्यादा ही खा सकते हैं। और एक बात और फ्रेंड्स, जो मैंने नींबू का जूस निकाल लिया ना, तो नींबू के छिलके जो बचे हैं तो इसका भी अचार मैंने डाल रखा है, वीडियो मैं दे दूंगी लिंक, आप देख सकते हैं। लेकिन इसी मिर्ची में ये नींबू भी मैं डाल देती हूँ, तो इससे क्या होगा कि ये नींबू का जो छिलका है ना, नींबू का जूस पूरे तरीके से तो निचोड़ता नहीं है, छिलके में फिर भी रह ही जाता है। तो इस तरीके से अचार में डाल देंगे तो मिर्ची के साथ मसाले वगैरह सभी कुछ मिक्स हो जाएगा और ये गल जाएगा, तो नींबू का भी अचार बन जाएगा। तो नींबू मिर्ची का अचार हो गया।
इसी को तो कहते हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम। नींबू से मैंने नींबू का जूस निकाल लिया और उसके बाद उसी नींबू के छिलकों से अचार भी बना के तैयार कर लिया। ये देखिए अच्छे तरीके से लिपट गया है। अगर आपको चाहिए कि इसमें ज़्यादा तेल होना चाहिए तो एक दिन के बाद और तेल जिस बॉटल में आप इसको रखेंगे ना तो उसके ऊपर तक तेल भर के रख दीजिए। लेकिन जैसा कि मैंने बताया क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है और फटाफट खा के ख़त्म कर देंगे तो मेरे लिए ये तेल बिल्कुल परफेक्ट है। तो एक से दो दिन के बाद भी ये खा सकते हो, चाहे तो आज से भी खाना शुरू कर सकते हो। लेकिन अभी आज खाएंगे, इसकी मिर्ची जो है कच्ची है ना, तो मिर्ची तो अभी गली नहीं है, तो नॉर्मल जैसे कच्ची मिर्ची हरी मिर्ची का टेस्ट आता है वही टेस्ट आएगा। लेकिन एक से दो दिन ऐसे ढक के रख देंगे, उसके बाद खाएंगे ये प्रॉपर जो अचार होता है ना, अचार का ही टेस्ट आएगा। ये मिर्ची का अचार हमारा बन के तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स झटपट बनने वाली ये मिर्ची का अचार बन के तैयार हो गया है। स्पैचुला हटा लेती हूँ और इसका लिड लगा के दो दिन के लिए ऐसे में छोड़ दूंगी। बहुत ही शानदार अचार बन के तैयार हुआ फ्रेंड्स। इस तरीके से इसका कवर लगा देती हूँ। इसको धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे किचन में साइड में रख देंगे ना, दो दिन के बाद अगर ये अचार खाएंगे तो एकदम बहुत ही लाजवाब अचार बन के तैयार होगा। तो फ्रेंड्स अचार तो बन के तैयार हो गया, तो इसको मैं बॉटल में भर लेती हूँ। अचार के लिए मैंने एक कांच का बॉटल ले लिया है और इसको पानी से अच्छे तरीके से धो के धूप में सुखा लिया है, मतलब इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रेंड्स ये मिर्ची का अचार बन के तैयार हो गया, बहुत ही टेस्टी बना है फ्रेंड्स। एक बार बनाएंगे ना बार बार बनाने का मन करेगा। तो आप लोग भी बनाइए और इंजॉय करिए। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलना फ्रेंड्स। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।